इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका पेटीएम पेमेंट में बंद बैंक है तो कैसे अभी भी आप जो है कि पेटीएम का जो पासकोड है, अगर आप अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड भूल गए हैं तो कैसे आप एक नया पासकोड बना सकते हैं और जो भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में बैलेंस है वो आप चेक कर सकते हैं और आप पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैलेंस है उसे किसी भी अनदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक आप नया पासकोड बना करके। तो चलिए वीडियो को, तो जैसे आप पेटीएम को ओपन करते हैं इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च वाला जो ये आइकन है आपको इस पर यहाँ पर बैंक लिंक करके आपको इस तरीके से सर्च करना है। जैसे आप बैंक लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक का आइकन आ जाएगा और यहाँ पर सिलेक्ट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको बोला जाएगा एंटर पासकोड, यानी कि जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का पासकोड है वो आप एंटर करने के लिए, तभी आप यहाँ से अपना जो बैलेंस वगैरह है वो आप देख पाएंगे, तभी यहाँ से आप पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसमें लॉगिन हो पाएंगे। तो पेटीएम अगर आपको पासकोड नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, नीचे में आप देख सकते हैं फॉरगेट पासकोड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का जो एटीएम कार्ड है उसका जो कि लास्ट यहाँ पर 8 अंक, लास्ट यहाँ पर 8 अंक आपको जो कि एटीएम कार्ड का नंबर आपको एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट न्यू पासकोड, यानी कि आप एक नया पासकोड क्या बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से एंटर करनी है। तो जैसे हम यहाँ पर एक नया पासकोड जो है वो हम एंटर कर लेते हैं, फिर कंफर्म में फिर से यहाँ से जो भी आप पासकोड बना रहे हैं वो पासकोड एंटर करनी है, फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पासकोड अपडेटेड सक्सेसफुल यहाँ पर इस तरीके से। और आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपका जो पासकोड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली रिसेट हो चुका है, अब यहाँ से हम पेटीएम पेमेंट बैंक में इस पासकोड के थ्रू लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो अभी आपने एक नया पासकोड बनाया वो पासकोड आप एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसमें आप इस तरीके से लॉगिन हो पाएंगे और टोटल जो देख सकते हैं सेविंग बैंक बैलेंस जितना भी आपका रहेगा टोटल वो बैलेंस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर टोटल वॉलेट बैलेंस आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे वॉलेट बैलेंस हमारा 0-0 है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है कि अगर आप किसी को अपना पेटीएम का जो पेमेंट बैंक वाला बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या किसी अनदर बैंक में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट का, जैसे आप किसी का क्यूआर कोड यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, टू मोबाइल योर कॉन्टैक्ट, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो जैसे हम यहाँ पर स्कैन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे मेरा पहले से सेव है जो हमने पेमेंट किया था और उसके पे पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से प्रोसीड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर पे पर क्लिक करके आपका जो भी जो यहाँ से एंटर यूपीआई पिन है पेटीएम का वो आप यहाँ से एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आप पेटीएम का जो कि पासकोड फॉरगेट कर सकते हैं और जो भी बैलेंस है वो देख सकते हैं और किसी को भी आप अपना पेटीएम पेमेंट में का जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अनदर बैंक अकाउंट में।